नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी खबर आई है और ये खबर है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2021 से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की शुरुआत की थी, यानी लॉन्च किया था। और इसमें क्या था कि जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं हरियाणा सरकार में, वो चाहे विभागों में हो या निगम में, कॉरपोरेशन में, या फिर किसी ऐसी सरकारी संस्था जो कि हरियाणा सरकार के अंडर में आती हो, तो उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं कई सालों से, तो उन सारे कर्मचारियों का डाटा जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में अपलोड करना था। तो दोस्तों, बता दें कि वो प्रक्रिया चल रही है अभी, उसमें बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें अभी थोड़ा लेट हो रहा है अपलोड करने के लिए डाटा कर्मचारियों का हरियाणा कौशल रोजगार में। लेकिन आपको बता दें कि जो है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इसमें, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि उन लोगों का डाटा जो है अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में जो है कि उसको अब अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, कि जो जो कर्मचारी थे उनका जो डाटा है वो अब जो है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में जो है कि अपलोड कर दिया गया है। और जो है कि अब उसको आप ये देख सकते हैं, उसके लिए जो है आईडी और पासवर्ड दोनों जो है कि रिलीज कर दिया गया है, कि आप जो है कि हरियाणा कौशल रोजगार में जा के साइट पे आप अपना जो है कि डाटा देख सकते हैं। और ये जो लेटर है इसको सभी मतलब कि सर्कल में जो है कि इसको भेजा गया है, जिसमें कि अम्बाला है और भिवानी, हिसार, गुरुग्राम, जींद, झज्जर, कैथल, करनाल और नारनौल, पलवल, ऐसे सभी मतलब कि सर्कल में इसको भेज दिया गया है, कि जिन लोगों का भी डाटा अपलोड नहीं हुआ है कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में, उन लोगों का डाटा अपलोड कर दिया जाए। और जो है कि इसमें बता दूं कि आपका जो डाटा अपलोड हुआ है, उनके लोगों का डाटा अपलोड हो चुका है, तो आपको बता देंगे जो लोग क्या कहते हैं कि 30/9/2021 पहले से जो काम कर रहे थे कर्मचारी आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, वो सारे कर्मचारियों का डाटा जो है कि अब जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में जो अपडेट कर दिया गया है, उनका जो फैमिली आईडी है उसको जो है कि उसके माध्यम से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में उसको अपलोड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि जो लोग परेशान थे कि हमारा डाटा अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये खबर उनके लिए बहुत ही अच्छी है कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो डाटा है वो जो कि उनका डाटा अपलोड कर दिया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी और भी खबर पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।